हमारे चैनल, मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल फोन इजी एंड स्टाइलिश बिल्कुल न्यू हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल। मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगी। तो रिक्वेस्ट आई थी कि मैम फोर स्टाइलिश हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल की वीडियोज बताइए, तो आप सारी वीडियोज एंड तक वॉच कीजिएगा। सारी हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है और बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं आपके ऑल ड्रेसेस पे। इंडियन पहन लो, वेस्टर्न पहन लो, कुछ भी पहन रहे हो, चारों पोनीटेल हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइज आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड चैनल पे मैं आप सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज अपलोड करते रहती, तो सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइए, वहां पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल फोर इजी हाई पॉइंटेड हेयर स्टाइल बिल्कुल न्यू है, स्टाइलिश है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज 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 सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल जो है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है बालों की, ओके। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेनी है और फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ेंगे, बैक के सारे हेयर्स को एक पोनीटेल बनाएंगे। ईयर तक इस तरीके से हाई पोनीटेल ले लेना है। आज के ब्यूटी पार्लर कोर्स में है आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ, क्योंकि पार्लर के काम में हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा मायने रखता है एंड जो भी मेकअप करवाने आते हैं गर्ल्स वगैरह वो हेयर स्टाइल भी जरूर बनवाते हैं। तो आप ये सारे हेयर स्टाइल सिंपल लुक के साथ उनको दे सकते हैं, या फिर सिंपल सा कोई ओकेशन है, पार्टी है, और मतलब बहुत ज्यादा खुले नहीं रखना चाहते हैं और स्टाइलिश भी दिखना चाहते हैं, तो ये चारों हेयर स्टाइल आप उनको दे सकते हो जो भी गर्ल्स आ रही हैं उनको। तो इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लेना है और रबर बैंड लगाएंगे। अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ओके। तो इस तरीके से पोनी बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने फ्रंट से ईयर टू ईयर पार्टीशन की है उसको सेंटर पार्टीशन कर लीजिए या साइड पार्टीशन रखिए, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से पार्टीशन निकाल लेनी है एंड बालों को अपर डायरेक्शन में ऐसे लेके जाएंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। और यहाँ पे क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है। अच्छे से कॉम करना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ फोल्ड करना है एंड क्लिप से सिक्योर कर देना है। इसी बाद ये जो दोनों हेयर हैं इनको पोनीटेल के हेयर के साथ मिक्स करना है। पोनीटेल के हेयर को नीचे से थोड़ा सा लेना है एंड इस तरीके से लपेट देना है रबर बैंड के चारों तरफ, और यू पिन से या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको सिक्योर कर लीजिएगा ताकि ये निकले नहीं कहीं से भी। तो मैं इस साइड से सिक्योर कर रही हूँ और बॉबी क्लिप दिखना भी नहीं चाहिए, तो आप इस पे ऐसे हेयर स्टाइल्स के लिए छोटा वाला बॉबी क्लिप रखिए। उसके बाद आप क्लिप्स को रिमूव कर दीजिए और कुछ इस तरीके का लुक आएगा। सेटिंग्स पे से एक्स्ट्रा हेयर जो बेबी हेयर दिखते हैं उनको सेट कर सकते हो आप। तो ये हमारा फर्स्ट हाई पोनीटेल हेयर स्टाइल हो गया जो कि काफी इजी है एंड काफी स्टाइलिश भी लग रहा है। चलते हैं सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल की तरफ। सारे हेयर स्टाइल एंड तक वॉच कीजिएगा, फिर बताइएगा कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को। सेकेंड वाले में भी बस मैंने फ्रंट का ये ओपन किया है, इसके बाद हम लोग सेंटर पार्टीशन कर लेंगे इस तरीके से। सेंटर पार्टीशन करने को साइड पार्टीशन में भी कर सकते हो, ये हेयर स्टाइल इस तरीके से रखेंगे, ओके। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इनकी सिंपल चोटी बनाएंगे। चोटी को उतना गुथना है कि पीछे तक चला जाए जहां तक हमारी पोनी बनी हुई है। ओके, हल्का हल्का इसको खींच लेंगे, ज्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्का हल्का दोनों साइड से,
अब इसको ऊपर की तरफ से पोनी टेल के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। ओके, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से करना है, ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड चोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। पार्लर से रिलेटेड ऑल वीडियो डे बाय डे मेरे चैनल पे जा रही हैं। आज मैंने अपलोड किया था फेशियल मसाज के पूरे प्रॉपर स्टेप्स कैसे करने चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कर दीजिए। अगर फेशियल आप भी करवाते हो या फिर करते हो तो आपको सारे स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके स्किन को ग्लो और एजिंग को कंट्रोल करने के बजाय उसको बढ़ा के आपके स्किन को खराब कर सकती है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखा कीजिए कि सही तरीका क्या है, कोई भी चीज करने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से अपने फेस पे मसाज फेशियल वगैरह करवा रहे हो तो वो आपकी स्किन को अच्छा करने के बजाय और ज्यादा खराब कर देगा। तो जाके चेकआउट किया कीजिए। आज की वीडियो में मैंने बताया है कि फेशियल मसाज कैसे करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं, सब कुछ डिटेल में, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, जो कि वेस्टर्न एंड इंडियन ड्रेसेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड स्टाइलिश भी है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा है, इन दोनों हेयर स्टाइल से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश दिखेगा। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल भी करते हैं, फोर्थ भी करते हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको देखना है चारों हेयर स्टाइल। कि अगर आपके पार्लर में कोई मेकअप के साथ कोई हल्का सा हाई पोनीटेल या फिर कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल मांग दे तो आप कैसे दोगे, तो मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ। तो थर्ड हेयर स्टाइल में भी इस तरीके से पहले बालों की पार्टीशन कर रखी है और यहाँ से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। नीचे के जो हेयर्स हैं इनको कान के पीछे इस तरीके से कर देंगे और ये जो हेयर्स हैं इनको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसमें करेंगे हम लोग फ्रेंच ब्राइड। इसके लिए हमको सिंपली इस तरीके से थ्री पार्ट में डिवाइड करना है एंड अपर डायरेक्शन से छोटी को बनाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा पीछे की तरफ हेयर को रखिए ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाने में किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। देखिए पहले इस तरीके से ऊपर की तरफ कर दीजिए और ऐसे कर ले रहे हैं ताकि हमारा हेयर स्टाइल हमको डिस्टर्ब ना करे, सॉरी हेयर हमको डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से लिया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए हैं एंड बीच वाले पार्ट्स को ऊपर करेंगे एंड इनको पीछे की तरफ से लेके जाएंगे। हल्का हल्का दोनों साइड से हेयर को ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही पूरा जितना हमने पार्टीशन ली हुई है उनको बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से हेयर को उठाएंगे और ऐसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत प्यारा लगने वाला है वेस्टर्न ड्रेस के लिए, ये वाला तो बेस्ट रहेगा, कमाल का हेयर स्टाइल है। जो पोनीटेल बनी हुई है इसको अभी हम लोग ओपन करेंगे और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। ओके, अभी तो हमने सारे हेयर के बना लिए, अब इसको थोड़ा लंबाई से तरीके से उल्टी तरफ से गुथते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से खींचते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से खींचेगा, ज्यादा जोर से खींचोगे तो पूरे हेयर निकल जाएंगे और आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हेयर को खींचना है। ओके, इस तरीके से बना लिया है। अब इसको यहाँ पे सिक्योर कर देंगे और दूसरा वाला बनाएंगे। दूसरे वाले के लिए भी इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और उसको कान के पीछे कर देंगे एंड इन हेयर को ऊपर की तरफ कर देंगे और स्टार्ट करेंगे बनाना।
पतली सी लाइन लेंगे ऊपर की तरफ, इसको रहन दो, नहीं तो ये आपकी पोनीटेल बनाने में डिस्टर्ब करेगी आपको। जैसे हमने एक साइड बनाया था सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी बनाएंगे, थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दोनों साइड वाले पार्ट्स को नीचे की तरफ से लेके जाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा हेयर इसके साथ ऐड करते जाएंगे जैसे हमने सेम इस साइड किया था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करेंगे और ये लाइन जो है वो पूरी स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब जैसे इधर बनाया था वैसे ही इस साइड पूरा गूथ लेंगे। और फिर से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे हेयर को, जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और खूबसूरत लगे दोनों साइड से। ओके, अब इसको क्लिप के साथ सिक्योर कर देंगे और अब बारी आती है पोनीटेल को ओपन करने की। कुछ इस तरीके का लुक दिख रहा है। ओके, पोनीटेल को ओपन कर लेंगे। ये तो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है, पोच भी देखिएगा जरूर, वो भी कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा खासा बताने वाली हूँ मैं। अब पोनीटेल के हेयर के साथ जो हमने साइड में हेयर मिलाया था उनको एक साथ ले लेंगे और एक हाई पोनीटेल बनाना है, जिससे हमने ये हेयर स्टाइल को सिक्योर किया था। क्लिप्स को निकाल देंगे और पोनीटेल को बिल्कुल हाई लेके आएंगे क्राउन एरिया पे। ओके, ये जो हमने बनाया है वो हाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे इस तरीके से पोनी रबड़ बैंड को लगाएंगे। ओके, अब क्या करना है, थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेना है एंड इस तरीके से पोनी टेल के चारों तरफ लपेट देंगे, देन यू पिन से सिक्योर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ। जो भी बेबी हेयर्स हैं उनको आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हो, जैसे कि ये है मेरे पास सेटिंग स्प्रे, इसको आप पतले दांतों वाली कॉम पे ले लोगे या फिर कॉम नहीं है तो आप ब्रश पे ले सकते हो, बट मैं मोटे दांतों वाली कॉम पे ही ले रही हूँ। इस तरीके से मार देंगे, ज़्यादा नहीं लेना है और बस इस तरीके से चिपका देंगे ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से दिख पाए। तो ये हो गया गाइस हमारा थर्ड हेयर स्टाइल। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। तो फ्रेंड, फोर्थ हेयर स्टाइल में हम लोग साइड पार्टीशन लेंगे। ओके, ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे। जिस साइड हमारे कम हेयर है उधर के ज्यादा हेयर को ले लेंगे ईयर टू ईयर पार्टीशन करते टाइम, एंड जिस साइड हमारे ज्यादा हेयर है उधर बहुत कम छोड़ना है और सारे हेयर को पोनी टेल के हेयर के साथ मिक्स कर देना है। मेरे तो इतने बैंक्स ही कटे हुए हैं। अब सारे हेयर को एक हाई पोनी टेल बना देंगे। ओके, बिल्कुल हाई में इस तरीके से आपको लेना है, देख सकते हैं आप फ्रंट का कुछ इस तरीके से। आप पोनी को रबर बैंड लगाएंगे
बिल्कुल हाई पोनीटेल बनाना है। अब आपको इस साइड के हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है और इस साइड के हेयर को हम लोग बनाएंगे फ्रेंच चोटी। उसके लिए हमने थोड़ा सा हेयर को लिया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड सिंपल फ्रेंच चोटी जैसे होती है वैसे ही बनाना है। थोड़े थोड़े हेयर को ऐड करते जाएंगे, बिल्कुल जितना पतला पतला करोगे उतना ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। इस तरीके से बनाते जाएंगे। अगर आपके भी इस तरीके से कम बाल है फ्रंट में तो आप इस तरीके से चोटी को, जैसे हेयर को खत्म होने के बाद से जो चोटी के हेयर है उनमें से हाफ हाफ पार्ट्स करके और इस तरीके से खजूरी चोटी बनाओगे ऊपर में, बिल्कुल पतला पतला सेक्शन लेके, जैसे कि हमारे पास ये हेयर बचा है इसमें से टू पार्ट्स डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से बनाएंगे पूरा एंड तक इसको बनाना है। बिल्कुल पतला पतला इस तरीके से बनाते जाएंगे। इसी तरीके से घुसते जाएंगे पूरा एंड तक। जितना भी हेयर है उसमें से हाफ हाफ ही करके लेते जाएंगे। एंड में जब बिल्कुल पतला पत जाए तो उसको सिंपल चोटी की तरह गूंथ दीजिए, लेकिन गूंथना आपको एंड तक ही है पूरा। ओके, अब इस साइड के हेयर को सिंपली कॉम करेंगे एंड बैक साइड में लेके जाएंगे जहां तक आपकी लेंथ है। मेरी तो काफी शॉर्ट है तो मैं यहीं पे इसको क्लिप से सिक्योर कर दे रही हूँ और इस साइड के हेयर को नीचे की तरफ से लेके जाएंगे। ओके, और इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर से लपेटते हुए एक क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। मोबी क्लिप या यू क्लिप आप कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, पोनीटेल हेयर स्टाइल। तो ये थे आज के चार इजी वे में स्टाइलिश से फोर इजी पोनीटेल हेयर स्टाइल फोर वेस्टर्न ड्रेस एंड गर्ल्स के लिए बोल सकते हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए काफी प्यारा रहेगा। तो कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भर भर के दीजिएगा एंड सेकंड चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे 24 है, वहां पे भी जाके मेरी अमेजिंग रील्स वीडियोस देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।